हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ राकेश झा एंड टुडे वी विल डिस्कस IPR 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 और डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इससे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री देखा था। सेकंड हमने देखा था कि इंडस्ट्री में पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाता है या क्यों नेसेसरी जरूरी है पब्लिक सेक्टर का इंडिया जैसी एक डेवलपिंग नेशन में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि IPR 1956 जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन थी उसमें कौन कौन से मेन फीचर्स थे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है, और क्या था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वाज अ क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द लीडिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मीन कि ये कुछ भी नहीं था, ये एक 1956 एक ऐसा एक्ट था या एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें स्टेट का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में 1956 में स्टेट का जो था वो मेन रोल था। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारे पास इतने पैसे नहीं थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडस्ट्री में, सो दैट्स वाई हमने पब्लिक सेक्टर पे डिपेंड रहे कि वो करें इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। दिस रेजोल्यूशन लेड अ रोड मैप ऑफ द सेकंड फायर प्लान, और ये जो इसका जो रोड मैप तैयार हुआ वो सेकंड फायर प्लान में हुआ। आपको पता ही होना चाहिए कि सेकंड फायर प्लान जो था वो कब से कब तक था, 1956 to 1961। इट वॉज अ माइल स्टोन ऑफ अचीविंग ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस, और ये एक माइल स्टोन साबित हुआ हमारी सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ IPR 1956, इसके कुछ एलिमेंट्स दे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो फर्स्ट है द थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज, द थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वर क्लासिफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज, फर्स्ट इज दोज विच वुड बी एस्टेब्लिश एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, दिस इंक्लूडेड एटॉमिक एनर्जी डिफेंस एंड रेलवेज। ऐसी इंडस्ट्री जो किसके द्वारा इस्टेब्लिश हो और डेवलप्ड हो, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर और एंटरप्राइजेस के थ्रू। जैसे कि कौन कौन सी वैसी इंडस्ट्री है, एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवेज। अभी भी आज के टाइम पे भी ये जो एनर्जी, डिफेंस एंड ये जो रेलवे जो इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर ही है, और इसको एस्टेब्लिश करने का और या डेवलपमेंट करने का अधिकार किसके पास है, ओनली गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, सेकंड है 1956 में जो इसके मेन एलिमेंट्स है, सेकंड पॉइंट है ये, दोज विच कुड बी एस्टेब्लिश बोथ एज प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ऐसी इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर की भी हो या प्राइवेट सेक्टर की भी हो, उसको भी डेवलप्ड करने का जो जिम्मा था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो थी पब्लिक सेक्टर के हाथों में यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में। हाउएवर द प्राइवेट सेक्टर वॉज टू प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल, और आपको पता है कि उस टाइम पे जो था मेन जो रोल प्ले कर रहा था या मेन इम्पोर्टेंस जो रोल था वो किसका था, पब्लिक सेक्टर का था, जबकि सेकेंडरी रोल प्राइवेट सेक्टर का। न्यू एंटरप्राइजेज वर टू एस्टेब्लिश प्राइमरली इन द पब्लिक सेक्टर, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, माइनिंग एंड इंडस्ट्री एक्सेट्रा। थर्ड जो है, बाकी का जो इंडस्ट्री था वो प्राइवेटों के हाथ में छोड़ दिया, और प्राइवेट को ऐसा कहा गया कि आप जो है जो भी इस्टेब्लिशमेंट करना हो इसके अलावा वो आपके हाथों में है। ठीक है, ऑल इंडस्ट्री अदर देन कैटेगरीज फर्स्ट एंड टू वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, बाकी के प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया गया कि आपको जो भी प्रोडक्शन करना है, कुछ भी करना है, वो आपके हाथों में है। आपको किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट करना है, किस तरह से उसका डेवलपमेंट करना है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल को सोचना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में कौन कौन सा था उस टाइम पे 1956 में, याद रखना है आपको किसको डेवलप और एस्टेब्लिश करने का अधिकार था, एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवेज को गवर्नमेंट सेक्टर को, इसके अलावा
इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री या फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, इसको भी डेवलप करने का जो राइट था वो किसके पास था, ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे। और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर था वो एस्टेब्लिशमेंट कर सकता था, इन्वेस्टमेंट कर सकता था किसी भी इंडस्ट्री में या प्रोडक्शन कर सकता था। दस IPR 1956 क्लियरली इम्प्लाइड डेट द स्टेट वॉज टू स्पेयर हर्ड स्पॉन्सर ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमी। यानी कि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसको स्पॉन्सर किसने किया, अगर शॉर्ट वर्ड में कहें या शॉर्ट डेफिनेशन कहें तो वो हमारा पब्लिक सेक्टर था। ठीक है, स्पॉन्सर हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन को किसने किया, पब्लिक सेक्टर ने यानी कि गवर्नमेंट ने किया। सेकेंड है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब ऐसा होता था 1956 में ऐसा रूल्स था कि आपको अगर नई कंपनी इस्टेब्लिशमेंट करनी है किसी भी स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी विलेज में तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता था, परमिशन मींस लाइसेंस लेना पड़ता था। सेकंड पॉइंट, आपको अगर प्रोडक्शन को आपको अपना इंक्रीज़ करना है तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट प्रोडक्शन एनी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो आइए इस पॉइंट को हम देखते हैं। इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी द एस्टेब्लिश ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। इंडस्ट्री कोई भी प्राइवेट सेक्टर की हो, ठीक है, तो उसको एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए अपनी इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना पड़ता था किसके पास से, फॉर द गवर्नमेंट के पास से। ठीक है, द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी वॉज टू इनकरेज इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। और इसके पीछे जो आइडिया था वो क्या था, सिर्फ एक ही आइडिया था कि जो बेसिक है मोटिव वो क्या था, इनकरेज करना था। किसको इनकरेज करना था, कंपनी को। दिस वॉज प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। और किसके लिए किया जाना था, रीजनल इक्वालिटी मीन्स कि ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे जो बहुत पिछड़े थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश, यूपी, असम जैसे स्टेट जो थे बहुत पिछड़े थे, ठीक है, तो उसको एक बराबरी लाने के लिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात के लिए, तो इसलिए वहाँ पर जो इंडस्ट्री जो एस्टैब्लिश होती थी तो उनके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम कर दिया गया। ठीक है, अ लाइसेंस वॉज नीडेड नॉट ओनली फॉर एस्टैब्लिश अ न्यू एंटरप्राइजेस बट ऑल्सो एक्सपांडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द एक्साइटिंग वंस। दिस वॉज टू रेगुलेट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिफरेंट यूजेस। द फोकस वॉज प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड द रेदर देन प्राइवेट प्रॉफिट्स। यानी कि ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम को लाने का जो मेन मोटिव था वो क्या था कि ना ही मतलब रीजनल इक्वालिटी तो हो, साथ ही साथ क्या क्या हो, सोशल वेलफेयर हो, प्राइवेट प्रॉफिट से ज़्यादा सोशल वेलफेयर पे गवर्नमेंट ने ध्यान देने की कोशिश की। तो इसीलिए जो है न्यू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री या प्रोडक्शन हाई करने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती थी। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती थी, गवर्नमेंट के पास से लाइसेंस लेना पड़ता था कि हम अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे या हम अपना प्रोडक्शन को इतना करेंगे। सो ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रियल कंसेशंस, मींस कि ऐसे बहुत सारे एरियाज थे जो अंडर डेवलप्ड थे, आज भी ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। बिहार का कुछ एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, आसाम का कुछ एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, नागालैंड बहुत पिछड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर के भी ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत पिछड़े हुए हैं, ठीक है, बैकवर्ड हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ऐसी जगह पे एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, कंसेशन देती थी कंपनियों को। कंसेशन विच मीन्स कि उनको सब्सिडी दे दिया जाए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो 5 एक यूनिट का अगर इंडस्ट्री में 10 यूनिट एक यूनिट का 10 रुपीस अगर लगता है किसी भी पर्सन को या इंडस्ट्री को एक यूनिट का अगर 10 रुपीस लगता है तो उसको घटा के कितना कर दिया जाए,
सब्सिडी गवर्नमेंट देगी तो उसको घटा के सिर्फ 2 रुपये कर दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या हुआ सब्सिडी, यानी कितने की सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट, 8 रुपये की सब्सिडी दे रही, यानी 8 रुपये जो खर्च है वो गवर्नमेंट खुद उठा रही है। तो ये सब्सिडी देने का पीछे मोटिव क्या था कि इंडस्ट्री आए और ऐसे बैकवर्ड एरिया में एस्टेब्लिश करे अपनी इंडस्ट्री का जहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी कौन प्रोवाइड करके देगी, वहाँ की गवर्नमेंट ही देगी, ठीक है। तो इसके पीछे मोटिव क्या था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो। द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर ऑफर मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री कंसेशंस फॉर एस्टेब्लिश इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस कंसेशंस इंक्लूडेड टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे मीन्स अगर कोई कंपनी एस्टेब्लिश कर रही है तो उसको 2 साल के लिए या 5 साल के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सब्सिडाइज पावर सप्लाई, यानी कि जो मैंने बताया कि 10 रुपीज़ यूनिट लग रहा है तो उसको ऑनली 2 रुपीज़ यूनिट लगे, यानी 8 रुपये का सब्सिडी कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। लाइक द पॉलिसी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड इंडस्ट्रियल कंसेशन वर एक्सपेक्टेड प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। और ये क्यों हुआ, ये सारे जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और ये जो सारी सिस्टम थी कंसेशन इंडस्ट्री को दिया गया, क्यों दिया गया, ताकि रीजनल इक्वालिटी आ सके, ठीक है। रीजनल इक्वालिटी आ सके और साथ ही साथ क्या हो सके, ऐसे एरियाज जो अंडर डेवलप्ड है या डेवलप नहीं है उनका डेवलपमेंट हो सके। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल 3 पॉइंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क।